Hello, dear student. So today we will about to learn chapter 4, operating the computer. We will see in this lesson how to start a computer and how to shut down. Okay. Let's start chapter 4, operating the computer. We will see in this lesson how to start a computer and how to shut down the computer. You have learned that computer is an electronic machine. We know that computer is an electronic machine because it runs with electricity. It is also important to learn about safe and proper handling of computers. Why? Because computer एक electronic machine है, इसलिए हमें इसकी safe and proper handling के बारे में पता होना चाहिए. Now, देखेंगे हम how to start a computer. To start your computer, follow these steps. हमें computer को start करने के लिए ये steps को follow करना होगा. Step 1, switch on the main power supply button. Now, we see how to start a computer. To start your computer, follow these steps. Computer को start करने के लिए हमें steps को follow करना होगा. Then, step 1 is switch on the main power supply button. जैसा कि आप picture में देख रहे हैं, आपको सबसे फर्स्ट में आपकी इसकी जो है मेन पावर सप्लाई बटन मींस जो मेन पावर बटन होती है इसे ऑन करना होगा. देन सेकेंडली स्विच ऑन द यूपीएस सो दैट करंट बी फ्लोड. देन सेकेंड हमें यूपीएस मशीन को ऑन करना होगा जिससे कि कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी का करंट फ्लोड होगा. अब यूपीएस मशीन क्या होती है? यूपीएस मशीन होती है अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई जिससे कि कंप्यूटर में पावर सप्लाई होता है. स्टेप 3 स्विच ऑन द पावर बटन ऑन सिस्टम यूनिट. यूपीएस के बाद हमें थर्ड स्टेप में सिस्टम यूनिट को ऑन करना होगा. ओके, देन आफ्टर द सिस्टम यूनिट स्विच ऑन द मॉनिटर एंड लास्ट में आपको मॉनिटर को ऑन करना होगा. आप जैसे ही मॉनिटर को ऑन करेंगे उसके बाद कुछ देर बाद हमें एक ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी जिसे हम कहेंगे डेस्कटॉप. कंप्यूटर को मॉनिटर को ऑन करते ही हमें एक स्क्रीन दिखाई देगी जिसे हम कहते हैं डेस्कटॉप. द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन स्टार्टिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप. ओके, आइकॉन्स द स्मॉल इमेजेस प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप इट्स कॉल्ड आइकॉन्स. आइकॉन्स जैसे कि आपके मोबाइल फोन्स में भी छोटे छोटे आइकॉन्स होते हैं जिन्हें आप क्लिक करके ऐप को ओपन करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में भी छोटे छोटे आइकॉन्स होते हैं. लाइक आप फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर एंड रिसाइकल बिन. ओके, टास्क बार द बार दैट प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप के बॉटम साइड की स्ट्रिप होती है जो कि टास्क बार होती है. देन स्टार्ट बटन द स्टार्ट बटन द बटन इज दैट प्रेजेंट एट द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार. टास्क बार के लेफ्ट साइड में एक बटन का आइकॉन होता है जो कि स्टार्ट बटन होती है. नाउ शटिंग डाउन द कंप्यूटर. कंप्यूटर को वर्क करने के बाद हमें प्रॉपर बंद करना होता है. आफ्टर यू फिनिश योर वर्क इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शट डाउन योर कंप्यूटर प्रॉपरली. वर्क करने के बाद हमें कंप्यूटर को प्रॉपरली बंद करना होता है. नेवर स्विच ऑफ योर कंप्यूटर डायरेक्टली फ्रॉम मेन स्विच. यू मे लॉस अनसेव्ड इंफॉर्मेशन एंड डैमेज योर कंप्यूटर. हमें हमारे कंप्यूटर को डायरेक्ट मेन सप्लाई बटन से तुरंत बंद नहीं कर देना चाहिए बिकॉज जो हमारी सेव अनसेव डाटाज हैं, अनसेव डेटा है और अनसेव फाइल्स हैं, वो हम उन्हें लूज कर सकते हैं या फिर हमारा कंप्यूटर भी डैमेज हो सकता है. नाउ टू शट डाउन योर कंप्यूटर फॉलो दीज स्टेप. जैसे कि हमने कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो की थी, वैसे ही कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे. स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन अ मेन्यू अपेयर्स ऑन द स्क्रीन. आप जैसे ही फर्स्ट स्टेप को फॉलो करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू दिखाई देता है. स्टेप 2, क्लिक ऑन शट डाउन बटन. इफ़ यू शट डाउन मेन मेन्यू डज नॉट अपेयर क्लिक एरो टू सिलेक्ट शट डाउन. सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पर एक शट डाउन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर हमें क्लिक करना है. स्टेप 3, स्विच ऑफ द मॉनिटर. नाउ हमें मॉनिटर के स्विच को ऑफ करना है. एंड स्टेप 4, स्विच ऑफ यूपीएस. अब हमें यूपीएस मशीन को जो हमने स्टार्टिंग में ऑन की थी इसके भी बटन को ऑफ कर देना है. स्टेप 3,
एंड फाइनल स्टेप आपकी जो मैन पावर सप्लाई बटन है इसे भी ऑफ कर देना है। Yes, we have learned in this lesson how to start a computer and how to shut down it. I hope you got my point.